जान पे खेल गए खंडेराव मगर नहीं बने धनाजी और गुनुजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मीर मनी खान के तंबू में कैद हैं हमारे शेर यानी कि खंडेराव। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से अपनी रेड आई से जिस तरह वो देखते हैं मीर मनी खान को, उसी से पता चलता है कि कितने दिलेर है खंडेराव। अब मीर मनी खान जब ये कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसको मानो तो। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मीर मनी खान इस बुलावे में है दोस्तों, इस कह सकते हैं कि इस इल्यूजन में है कि अगर हमारे पास चल के गद्दार आ सकते हैं, जैसे कि धना जी सरदार है, गुनू जी ने उनको भेजा है, तो दो दो बाप बेटा गद्दार है तो पूरा मालवा ही गद्दारों से भरा होगा। ये इल्यूजन, ये बुलावा जो है मीर मनी खान को, इसीलिए इसी चक्कर में वो खंडेराव के सामने ये शर्त रख देते हैं कि पेशवा के सारी योजनाएं बताओ, क्या है, कैसे है, पूरा राज्य के राज जानने की कोशिश में है, वो भी खंडेराव से। बहुत बड़ी गलती की मीर मनी खान ने, क्योंकि खंडेराव जो देशभक्त है और खंडेराव जिसकी रग रग में मल्हार सरकार का खून दौड़ रहा है, वो कैसे अपने देश से गद्दारी करेंगे। ये बात सुन के मीर मनी खान का गुस्सा और भड़कता है, क्योंकि खंडेराव सीधा सीधा उसके मुंह पे करारा जवाब दे देते हैं। और जब ये बात कहते हैं खंडेराव, उस समय किस तरह उनकी आंखें निकालने के लिए तैयार था मीर मनी खान, मगर वो घबराए नहीं। उनके इरादे पक्के हैं, उनकी देशभक्ति पक्की है, और देशभक्ति इतनी है कि उसके लिए वो अपनी जान तक नौछावर कर सकते हैं। और अभी उनको तो पता भी नहीं है कि मीर मनी खान उनके साथ करने क्या वाला है, या पीछे प्लानिंग क्या हो रही है उनको छुड़ाने की, उनको तो नहीं पता है। उनको तो यही है कि मेरी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं वो। और अब जो होने वाला है आगे, वो देखने में ये पता चलेगा कि खंडेराव ने किस तरह से वहां पे मीर मनी खान को टक्कर दी अपनी बातों से, अपने इरादों से। और मीर मनी खान के बार बार कहने पे भी वो 1% भी पिघले नहीं, 1% भी उन्होंने वो डर नहीं दिखाया जो मीर मनी खान उनकी आंखों में देखना चाहता है। ये है मराठा शेर। तो इस मराठा शेर के लिए तो हम बार बार तारीफ करेंगे, क्योंकि ऐसा मंजर हमने अभी तक देखा नहीं था जो हम इस सीरियल में देख रहे हैं। क्योंकि सीरियल में जरूर चीजें होती हैं ज्यादा, मगर दोस्तों ऐसा हुआ तो होता ही है, होता है ऐसा, क्योंकि ऐसे ही नहीं इतने इतने बड़े कारनामे हो जाते, ऐसे ही नहीं हिस्ट्री में नाम आ जाते। तो ये सब चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, और हमें भी उससे देशभक्ति की जो है मिलती है सीख, हम भी देशभक्त बने और अपने देश के लिए पूरे दिल से जो कर सकते हैं वो करें। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.